आप हरिहरपुर के सोनू सिंह से आपकी हम मुलाकात कराते हैं, जो कि एक एकड़ में ये खस की खेती का पूरा पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और हरिहरपुर में अभी तक तो लगभग 10 एकड़ खस का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें से हम सोनू सिंह से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और सोनू सिंह खस को लेकर इतना कंसंट्रेट हैं, वो आप इन्हीं की जबान से सुनिए। सोनू जी, ये आपका नाम सोनू सिंह है, आपके फादर का क्या नेम है? श्री राम बहादुर सिंह। श्री राम बहादुर सिंह। सोनू जी, ये खस की खेती आप पहली बार करा रहे हैं? जी सर, पहली बार करा रहे हैं। और ये कितना खेत है आपका? ये 1 बीघा। 1 बीघा, तो ये 1 बीघे का ही प्रोग्राम है या 1 एकड़ का है? नहीं, ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का प्रोग्राम है, लेकिन पानी बरस रहा है, जल भराव हो गया है। हाँ हाँ, तो उधर हम अपना धान लगाएंगे। हाँ, इधर 1 बीघे में एक खस लगवा रहे हैं। अच्छा, धान कटने के बाद फिर फरवरी में खस लगा देंगे? फरवरी में खस लगवाएंगे। यानी कि आपका 1 एकड़ 2 एकड़ खस लगाने का पूरा प्रोग्राम है? ठीक है। अच्छा, खस से आपको फायदा क्या है? सर, खस से हमें बहुत फायदा है। सर, इसका तेल निकलेगा, तेल बेचेंगे मार्केट में। इस तेल की कीमत 22 से 25 हजार रुपए तक है, किलो के हिसाब से। और इसकी ये जो पंखुड़ियाँ हैं, मतलब इसका पौधा जी, ये भी बिक जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 1 एकड़ जमीन में आप 10-15-20-25-50 हजार तक का पौधा भी बिक जाएगा, अगर कहीं से कोई डिमांड आती है पौधे की तो। ठीक है। और इसको पेरने के बाद जो इसकी जड़ निकलेगी, वो कूलर की घास। हाँ, कूलर में इस समय घास जाती है, तो मतलब बल्क में अगर इस गांव में 10-15 एकड़ ज़मीन पे खस होगी, तो जाहिर सी बात है कूलर का काम करने वाले आप ही के यहाँ से घास खरीदेंगे। ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन हम तक उन लोगों तक पहुँचाएँगे। ठीक है। और खस से आपको एक फ़ायदा और है, वो आप जानते हैं क्या सोनू जी? खस की ज़मीन, पहली चीज़ तो ये है कि खस एक ऐसी खेती है जो कि अगर आप करते हैं इसको, तो उस खेती से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी ज़मीन में सुधार आता है, ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ज़मीन में जो हमारे कीट मित्र हैं वो पैदा होते हैं और अपने अंडों को छोड़ते हैं, फिर उनमें जन्म लेते हैं और केचुआ और कीट मित्र पैदा होते हैं। ठीक है। और लगातार जो हमारा लगातार गेहूं, धान, चना, मटर, सरसों के हम खेतों से अपने तत्वों को खींच रहे हैं, उन पोषक तत्वों को हम 15 महीनों में फिर से एक उनको रिचार्ज कर देते हैं उस ज़मीन पे। एक फ़ायदा ये भी है सोनू जी। चलिए, खैर, आपके इस खेत में कितना हज़ार पौधा लगेगा? सर, इसमें लग जाएगा 20 हजार पौधे। 20 हजार पौधा, 1 एकड़ में 20 से 22 हजार पौधा लगेगा। ठीक है। और इसका तेल कब निकालेंगे आप? सर, ये अप्रैल, सर जनवरी फरवरी में ठंडी पड़ेगी, 15 महीने। यानी कि जब भी तेल निकालेंगे आप फरवरी में निकालेंगे? हाँ, फरवरी में ही तेल निकालना चाहिए, क्योंकि फरवरी में तेल खस का बढ़िया निकलता है और एवरेज भी आता है। जितनी ठंडी पड़ेगी उतना ही अच्छा तेल आपको फरवरी, मतलब खस से निकलेगा। ठीक है। ये जो खस आई है, या देसी है या बाहर से आई है? सर, ये बाहर से आई है। बाहर से आई है, ठीक है। और सोनू जी, ये खस का प्रोग्राम आप सिर्फ ट्रायल में ले रहे हैं कि इसमें रिजल्ट आने के बाद फिर आगे चल के और बढ़ाएंगे? जी सर, और बढ़ाएंगे। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो आप खस की खेती से संतुष्ट हैं? जी। तो कुछ लोग जो किसान आपके गांव में कह रहे हैं कि खस से अच्छा तो गन्ना लगा दें, गन्ने में हमें प्रॉफिट है, तो गन्ने में तो देखिए, गन्ने में प्रॉफिट तो है ही है, अगर दुनिया खस लगा देगी तो शक्कर कहाँ से आएगी। मगर ये है कि क्या अगर हर किसान, अगर एक एक एकड़ अगर जिसके पास ज़मीन है और अगर खस का उत्पादन करता है, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगा? सुधार आएगा, और उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी खेतों की जी। है ना जी। तो आप सब कुछ समझ करके आप हमारे क्रिएट के साथ जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? जी सर। उसकी सारी सेवाओं से संतुष्ट हैं आप? जी। क्रिएट ने आपको क्या क्या दिया अभी तक? सर, क्रिएट ने मुझे ये खस दिया है। हाँ, ठीक है। और इसको कराने के लिए उन्होंने खाद दिया है। हाँ हाँ। और दवा दिए। हाँ हाँ, खाद और दवा। हाँ हाँ, इसको सब उन्होंने ही दिया है। अच्छा अच्छा। सर, जब मेरा तेल पेरा जाएगा, हाँ हाँ, सर उसमें से जो खाद और बिया का पैसा है, ये लोग अपना पैसा उसी में से काट लेंगे। अच्छा अच्छा। तो
जैसे हमारे पास बजट नहीं था इसको लेने के लिए। हाँ हाँ, वो आपने धान के खेत में गेहूं ही लगा खस लगाया, और देखिए यहाँ पे सारे किसान अभी तो आपको देख देख के हंस रहे हैं, मगर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छा लाभ मिले, ताकि यहाँ किसान अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस खस की खेती करें। ये खस की खेत जो आप जड़ को पेरेंगे, या इसका प्लांट कहाँ आप ही के यहाँ लग गया है? हरिहरपुर में, हमारे यहाँ ही लगा है। हरिहरपुर में इसका प्लांट लग चुका है। चलिए, तो आप इस खेती से संतुष्ट हैं? चलिए सोनू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये आपके खेत का जरा हम एक बार अच्छे से वीडियो ले लें। चलिए सोनू जी।